देखो मैंने कहा था रेप्टिलियन तो में क्रॉलिंग हैबिट होता है, यहीं से ये वर्ड आया है रेप्टिलिया, क्रॉलिंग हैबिट की वजह से। क्रिटर होते हैं ये क्रॉलिंग करते हैं, है ना, रेंगने वाले जानवर होते हैं। तो लिखा जाता है देखो, ऑल्दो रेप्टाइल्स पोजेस फोर लिम्ब्स एक्सेप्ट स्नेक्स एंड फ्यू लेजर्ड। देखो यूजुअली हम हमारे दिमाग में रेप्टाइल के बारे में सोचते ही ना, उस सांप के बारे में सोचते हैं, लेकिन सांप एक बहुत छोटा सा ग्रुप है उसका, बहुत सारे ग्रुप और भी होते हैं इसमें। तो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में चार लिम्ब्स होते हैं, है ना, कुछ को छोड़ दीजिए आप, स्नेक्स में और लिजार्ड में, कुछ लिजर्ड्स में नहीं होता और पूरे स्नेक में नहीं होता लिम्ब्स, इसके अलावा सभी रेप्टाइल्स में लिम्ब्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए रेप्टाइल्स को कोल्ड ब्लडेड एमनियोक्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स को कोल्ड ब्लडेड एमनियॉन्स कहते हैं। मैंने कहा था कि एमनियॉन्स में तीन तरह के एनिमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल्स तो वार्म ब्लडेड होता है, तो एमनियॉन्स में कोल्ड ब्लडेड तो एक ही होगा ना, और वो क्या होता है, वो रेप्टाइल्स होता है। तो कहने का मतलब रेप्टाइल्स की क्या बताओ, ये भी एक क्वाइट एनिमल, ये भी एक तरह से पॉइंक्लो थर्मिक एनिमल्स होते हैं। और देखो रेप्टाइल्स को फर्स्ट कहा जाता है, फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा कहा जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल्स जो इवॉल्व हुआ है, ये पूरी तरह से जमीन पे रहने के लिए इवॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट ट्रूली टेट्रापोड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करें अगर, फर्स्ट ट्रूली इवॉल्व कहा जाए, फर्स्ट ट्रूली इवॉल्व टेरेस्ट्रियल टेट्रापोडा या वर्टिब्रेटा वो रेप्टिलिया होता है। फर्स्ट ट्रूली इवॉल्व टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेटा अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या बताएंगे, बताइए, आप बताएंगे रेप्टाइल्स के बारे में। पानी में तुम भी रहते हो, स्विमिंग करने जाते हो, हवा में स्विमिंग करते हैं। अरे पानी में रहना है उसका कोई वो कोई ऐसा जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो अपने सेफ्टी के लिए रहता है, फूड के लिए रहता है। क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं देखो, कंप्लीटली कंप्लीटली लंग्स ब्रिथेड कहते हैं, 100% ये लंग से ब्रीथ करता है।
100% ये लंग से ब्रीथ करता है, तो लंग्स तो आप जानते हैं गैस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन होता है। इसके अलावा देखो सेकंड पॉइंट इसमें क्या होता है, जमीन पे रहने के लिए क्या क्या, देखो इसको इसका क्या एडेप्टेशन है, तो पूरी तरह से लंग से ब्रीथ करता है। बॉडी इज कवर्ड विथ थिक एपिडर्मल स्केल्स कहते हैं, जमीन पे रहना है तो ये स्केल्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन करेगा बॉडी को, पानी को इवोपरेट होने से बचाता है। देखो स्केल्स के होने के दो फायदे होते हैं, हाँ जी स्केल्स भी होता है, स्क्यूट्स भी कहते हैं, अलग अलग नाम होता है। देखो सेंट वगैरह भी होता है, सांप वगैरह में सेंट्स वगैरह भी होते हैं, SHIELDS, स्केल्स, स्क्यूट्स, सेंट्स, ये सब अलग अलग जगह अलग अलग तरह के स्केल्स हैं बॉडी में होते हैं इसके, ठीक है। और इनका फायदा क्या बताओ, जैसे कहते हैं स्केल्स के फायदे क्या होते हैं, स्केल्स के फायदे देखो, एक तो कहते हैं बॉडी प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन कहते हैं, और दूसरा प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस कहा जाता है, क्योंकि जमीन पे रहता है ये तो सनलाइट से तो पानी इवेपोरेट भी हो जाएगा ना, तो उसको भी रोकता है, तो पानी का कंजर्वेशन भी होता है और बॉडी का एक प्रोटेक्शन भी होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो इसके स्केल्स होते हैं रेगुलरली सेड होते रहते हैं, सेडिंग कहते हैं, सेडिंग ऑफ स्केल्स होता है, इसी को मॉल्टिंग कहते हैं, मॉल्टिंग, इसी को स्किन कास्ट भी कहा जाता है, स्किन कास्ट कहते हैं, मॉल्टिंग भी कहा जाता है। सुना हुआ कहते हैं सांप ने केचुल छोड़ दिया, अच्छा कुछ वर्ड सुना है कि सांप अपने बॉडी की अपर पार्ट को लीक कर देता है फिर नया स्किन उसके ऊपर आ जाता है, तो रेगुलर इंटरवल्स पे ये अपने स्केल्स को सेट करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, इसी को स्किन कास्ट भी कहा जाता है, इसी को मॉल्टिंग भी कहते हैं, जो उसका स्किन का अपर लेयर होता है स्केल्स के साथ वो हट जाता है। अब देखो पूरा जितना देखो सेल्स अपर लेयर का सेल होगा वो तो सेडिंग होता रहता है, आपके भी इस बॉडी के स्किन का पार्ट हटता है, पुराने सेल्स हटेंगे नए सेल्स का फिर से अपीयरेंस होता है, ये तो फिर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाता है ना, अगर मान लो अपर पार्ट पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी है तो उसको सेट कर देगा तो सेफ्टी भी तो होता है इससे। स्किन का जो अपर लेयर है वो हट जाएगा तो ये एक सेफ्टी के लिए भी जरूरी होता है कि पुराना स्किन हट गया और नए स्किन अपीयर हो गए तो फ्रेश स्किन तो हमेशा अच्छा होगा ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सांप या कोई भी मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स क्या होता है वो अपने स्किन के अपर टॉप लेयर को रेगुलर इंटरवल्स पे सेट करते रहते हैं स्केल्स के साथ, तो रेगुलर सेडिंग ऑफ स्केल्स कहते हैं, इसी को मॉल्टिंग कहा जाता है, रेगुलर सेडिंग ऑफ स्केल्स, एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे ये स्किन को हटाते रहते हैं, इसी को मॉल्टिंग या इसी को स्किन कास्ट कहा जाता है, मॉल्टिंग भी कहते हैं इसी को स्किन कास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो मॉल्टिंग एक मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो रेप्टाइल्स में होता है, पैटर्न ऑफ स्केल्स चेंज नहीं होता,
स्किल्स तो वही रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, स्क्यूट्स स्केल्स ये एक ही तरह का डेरिवेटिव होता है सर। सिल्ड वगैरह भी होता है, सांप वगैरह में सिल्ड होता है, वो भी स्केल्स का ही टाइप होता है। इसके बाद देखो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट देखो, इसमें मिलता है सेल्ड एग, सेल्ड लेदरी एग कहते हैं एग्स। लार्ज साइज का ये अंडा होता है, अगर मान लो देखो ये इम्ब्रियो है, एक वैसे है तो इम्ब्रियो के ऊपर भी कई सारे देखो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होंगे, देखिए। तो जो बाहर आप देख रहे हो ये तो हार्ट सेल होता, लेदरी सेल कहते हैं बाहर की तरफ होता है। और देखो ये जो होता है इसमें ये क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। और ये देखो ये इम्ब्रियो ग्रो हो रहा है इसमें, स्क्यूट्स भी स्केल्स का ही एक टाइप होता है। तो जमीन पर जब अंडा आएगा, देखो रेप्टिलियन में एक क्वालिटी होता है, रेप्टिलियंस ऑलवेज ले देयर एग ऑन द लैंड सरफेस। कोई भी रेप्टाइल अगर पानी में भी रहता हो खाने पीने के लिए, बट उसका अंडा जमीन पे ही रहता है या नियर द वॉटर कहते हैं, पानी के अंदर इसका अंडा नहीं रहता, ड्राई सरफेस पे ही अपने अंडे को ले करता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, बता था एम्ब्रियन कोडियन, तभी तो इसको एम्ब्रियोटिक कहा जाता है। तो रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं ये जमीन पे काफी आसानी से सरवाइव कर सकता है बिकॉज ऑफ हार्ड कवरिंग, सेल्ड लेदरी एग। तो ये भी एक तरह का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है इसका, ये भी एक तरह का इसका टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ही तो है। इसका अंडा पोरस होता है, देखो लेदरी होता है पोरस की होता है, लेदरी होता है पोरस की होता है, गैसियस एक्सचेंज की इम्ब्रियो कर सकता है, पोरस एल्विंस एल्विंस के गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। लेती थोड़ा सा रफ होता है, रफ बहुत स्मूथ नहीं होता, जैसे बर्ड्स का अंडा बिल्कुल चिकना होता है ना, उतना चिकना नहीं होता है इसका अंडा, थोड़ा रफ होता है। पूरे सारे पोर्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, पानी की एंट्री नहीं होती, वाटर टाइट एग होता है ये अंडा जो होता है इसको वाटर टाइट एग कहते हैं। इस पोर्स से वाटर की एंट्री नहीं हो सकती, पानी का एंट्री पॉसिबल नहीं है, वाटर टाइट एग होता है, बट ये गैसियस एक्सचेंज कर सकता है इसका जो इम्ब्रियो होता है, तो पोरस कहते हैं इसको। तो हर एंगल से देखो, हर एंगल से रेप्टिलियन जो एग होता है वो पूरी तरह से जमीन पे सरवाइव करने के लिए बना हुआ होता है, काफी लंबे समय तक भी जमीन पे रहेगा तो इसका अंडा खराब नहीं होता। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेप्टाइल्स के तीन सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन क्या होते हैं जिसकी वजह से वो जमीन पे सरवाइव करता है, तो लिखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉर्डिफाइड स्किन, एनसीईआरटी का लिखा हुआ है कॉर्डिफाइड स्किन कवर्ड विद स्केल्स स्क्यूट एक्सेट्रा,
covered with स्केल्स, केराटिनाइज स्केल्स होता है, केराटिनाइज होता है स्किन, इसका स्किन में केराटिन भी होता है, केराटिनाइज स्किन कहते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉर्निफाइड स्किन कवर्ड विद स्केल्स, केराटिन भी होता है इसके स्किन में, टफ प्रोटीन होता है ये केराटिन, केराटिनाइज स्किन भी कहते हैं, कॉर्निफाइड स्किन भी कहते हैं। ईईएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्नियन, एम्नियॉन्स कहने का मतलब यही होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि कॉर्निफाइड स्किन होता है जिसके ऊपर स्केल्स की कवरिंग होती है, केराटिनाइज स्किन होता है इसका, जैसे आप में केराटिन होता है ना, वहां भी केराटिन होता है, उसके स्किन में भी केराटिन होता है, ठीक है। और डिफरेंस देखो क्या होता है कि हम लोगों के स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, इसका स्किन ड्राई होता है, एक ग्लैंडुलर स्किन होता है इसका, क्या लगता है ये क्या था इसको पहले, अब आप देखिए रेप्टिलियंस बॉडी को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक होता है इसमें और पूंछ भी होता है इसमें, हेड नेक ट्रंक एंड टेल सब कुछ होता है इसमें। इसके बाद इसमें बोनी एंडो स्केलेटन मिलता है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री यहां भी प्रोसीलस टाइप ही होता है, प्रोसीलस टाइप कहते हैं जो एम्फीबिया में मिलता है। तो रेप्टाइल्स का भी जो वर्टिब्री होता है वो मोस्टली प्रोसीलस टाइप ही होता है, एक ही जैसा ही होता है। बट कहते हैं इसमें देखो इसमें रिब्स प्रेजेंट होता है, रिब्स आर प्रेजेंट, और रिब्स के होने की वजह से इट हेल्प्स इन नेगेटिव पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसका रेस्पिरेशन आपकी तरह ही होता है, उतना एफिशिएंट नहीं होता, जबकि आप में डायफ्राम भी होता है, यहां डायफ्राम तो नहीं होता, प्रोसीलस टाइप। अरे मोस्ट लिखा हुआ है, रोज लिखा हुआ है, मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री लिखा हुआ है, ठीक है। रिब्स इसमें होता है जो नेगेटिव ब्रीदिंग में हेल्प करता है इसमें, ठीक है। तो एम्फीबिया में पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव होता है, आपकी तरह ही होता है यहां पे रेस्पिरेशन। और याद रखना क्रोकोडाइल चाहे पानी में रहे, पानी के बाहर रहे, कोई भी रेप्टिलिया पानी में भी है, पानी के बाहर भी है, वो अपने आपको अपने नॉस्ट्रिल को ऊपर लेके आता है पानी के बाहर सांस लेने के लिए। देखो क्रोकोडाइल्स वगैरह क्या होता है, वो बिल्कुल नजदीक बैठा रहता है पानी के, और ह्यूमन से थोड़ा अलग होता है, ह्यूमन में डायफ्राम भी होते हैं, डायफ्राम नहीं होता, यहाँ कोई डायफ्राम नहीं है, अलग थोड़ा अलग होता है, बट नेगेटिव ब्रीथ करता है। तो कोई भी रेप्टाइल, अगर आप सांप को ही देखोगे ना, पानी में रहने वाला सांप भी थोड़े थोड़े समय अपने मुंह को ऊपर करता है, अपने नॉस्ट्रिल को ऊपर लेके आता है एयर लेने के लिए, क्योंकि ये लंग से ब्रीथ करता है, इसको ऑक्सीजन एयर से लेना होगा, एयर के थ्रू ही ऑक्सीजन इसे बॉडी में आता है,
तो हर रेप्टाइल्स की ये एक कंडीशन है कि पानी में अगर रहता भी है तो कुछ समय के बाद वो अपने नॉस्ट्रिल को ऊपर लेके आता है एयर लेने के लिए। वैसे जितना जैसे कोई रेप्टाइल्स वगैरह का लंग साइज बहुत बड़ा होता है तो काफी समय तक वो पानी के अंदर रह सकता है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, रिफ्स हेल्प करता है नेगेटिव पल्मोनरी रेस्पिरेशन में। इसके अलावा देखो, रेप्टाइल्स में मोस्टली थ्री चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट की बात की जाती है, एक्सेप्ट लिखा जाता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है। यार तुम लोग क्या सोचते हो, गिल्स गिल्स के गिल्स होगा तब तो ऑक्सीजन को यूज करेगा वो, यहाँ गिल्स नहीं है, यहाँ पे लंग्स होता है, हवा से लेना होता है ऑक्सीजन इसको, पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकता ये। मैंने एक बार कह दिया पहले ही आपको कि 100% लंग्स ब्रीथेड होते हैं तो पानी में कैसे सांस ले लेगा ये। तुम्हें पानी में बैठा दूं अगर स्विमिंग पूल में तो अपने स्किन से ब्रीथ करने लगेंगे क्या? क्या या पानी पीते रहेंगे और आपके गले में गिल्स होगा, वहां से हम एक्सचेंज करते रहेंगे क्या? हमारे पास गिल्स नहीं होता, हम 100% लंग से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, चलो यहां देखो, तो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल आ जाता है जहां फोर चैम्बर हार्ट आ जाता है। तो क्रोकोडाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स की तरफ ज्यादा चला जाता है, वैसे ये रेप्टाइल्स में ही आता है ना। 3.5 देखो एक्चुअली क्या होता है, 3.5 कुछ नहीं होता, ऐसे लिखते हैं। इसमें जो एट्रिया होता है वो तो दो बन जाता है, वेंट्रिकल्स पूरी तरह सेपरेट नहीं होता, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्स कहते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में थ्री चैम्बर लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में थ्री चैम्बर ही लिखा हुआ है, बट Yes, you are right. इसको incomplete four chambered कहा जाता है, इसे incomplete four chambered कहते हैं, जो crocodile में four chambered हो जाता है वो पूरी तरह से incomplete four chambered कहा जाता है। Ventricles का separation complete नहीं होता, but NCERT में three chambered heart लिखा हुआ है, question में three chambered ही पूछा जाएगा आपसे, ज्यादा किडनी लगाओगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए रेप्टाइल्स का हार्ट थ्री चैम्बर्ड ही है, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्रोकोडाइल में ये फोर चैम्बर हो जाता है बस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो यहां देखो, अब देखो यहां पर कहते हैं दे पोजेस मेटानेफ्रिक किडनी, प्रेजेंस ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी। इसमें मेटानेफ्रिक किडनी मिलता है और लिखा जाता है कि दे आर मोस्टली यूरिकोटेरिक कहते हैं, पानी को बचाने के लिए ये यूरिक एसिड बनाते हैं बॉडी में, एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। दे आर मोस्टली यूरिकोटेलिक, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड दैट यूरिक एसिड हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन, पानी को लॉस बचाना है अगर है। जो एनिमल यूरिक एसिड बनाते हैं ना उसमें वाटर कंजर्वेशन ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर देखो, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, यहां भी
माउथ और क्लोइका की बात करते हैं. माउथ एंड में माउथ ऑफ स्टार्ट में होता है, क्लोइका एंड में होता है. एनएस नहीं होता यहां. भाई साहब आप पूरी तरह से आप में बिहेवियर होता है, आप पानी पी सकते हैं. सांप में पानी पीने की टेंडेंसी नहीं होती है. आप इंसान हो, वो जानवर है, वो उसके पास दिमाग नहीं होता, बिहेवियरल चेंज होता है. तो आप यूरियोटेलिक होते हैं, बीच में रहते हैं, आप बीच वाले हैं, ना इधर ना उधर, ना अमोनोटेलिक है ना यूरिकोटेलिक है, आप यूरियोटेलिक है. क्यों यूरियोटेलिक है? अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर बताऊंगा आपको, उस लेवल तक बताया नहीं गया होगा आपको, मैं थोड़ा आपको इस पे विस्तार कर देता हूं. देखो समझ लो भाई, क्या ये पहले की वैसे पढ़ा होगा आपने. देखो क्या होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. अमोनिया को निकालने में 0 ATP लगता है, बहुत पानी चाहिए, 500 ml चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए. बड़ा हुआ है ना कि अमोनिया को बॉडी से हटाने में कोई एटीपी खर्च नहीं होता, लेकिन आधा लीटर पानी चला जाता है 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए. यूरिया के बनने में 3 ATP लगता है, लेकिन यहां भी आपको 50 ml के आसपास पानी की जरूरत होती है. यूरिक एसिड के बनने में 5 ATP लगता है और 1 से 5 ml पानी का नुकसान है. तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा इसमें, कि या तो आप एटीपी बचाएंगे या तो आप पानी बचाएंगे. तो जो एनिमल बॉडी में पानी बचाना चाहता है वो ज्यादा एटीपी खर्च करेगा. आप थोड़ा थोड़ा पानी बचाते हैं और थोड़ा एटीपी भी बचाते हैं. और जिसको पानी की दिक्कत ही नहीं है, जो पानी में ही सारा काम कर रहा है, वो सारा एटीपी बचाएगा, वो पानी को लॉस कर देगा. समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको? हाँ. तो ह्यूमन बींग जो होता है ना, वो बीच में रहता है. थोड़ा पानी बचा लिया और थोड़ा एटीपी बचा लिया. हमने पढ़ा होगा ना ऑर्निथिन साइकिल में कि एक CO2 होता है, मतलब कितने के बताओ, NH2CO होता है ना, दो अमोनिया एक CO2 और 3 ATP के खर्च होने से. हाँ जी, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. इसके मिलने से एक यूरिया का फॉर्मेशन होता है, पढ़ा है ना. चलिए ठीक है. तो अब समझ में आ गया कि आदमी जो होता है वो जमीन पे रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूरिकोटेलिक हो जाएगा, वो यूरियोटेलिक है. आप में बिहेवियरल पार्ट भी होता है, आपको प्यास लगती है. आपने देखा होगा जितने मैमल्स होते हैं उन्हें प्यास लगती है, वो पानी पीते हैं. ठीक है. इसके बाद देखो, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ और क्लोइका होता है. इसके अलावा देखिए यहां पर ए रेगुलर स्किन होता है इसका. स्किन इसका ड्राई होता है, ड्राई स्किन है. इसके स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं होता. आपके स्किन में ग्लैंड होता है, इसके स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं होता. एक ग्लैंडर स्किन कहते हैं, ड्राई स्किन होता है इसका. ठीक है. फिर देखो, यहां पर स्टार्ट हो जाता है, देखो 12 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व. आपकी तरह ही यहां पे 12 पेयर नर्व आ जाता है क्रेनियम में. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व कहते हैं. और इसका जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है. मोनोकोंडाइलिक स्कल कहता है. ये मोनो होता है, मैंने बताया था एंटीरियर में डाई होता है, मोनोकोंडाइलिक कहता है.
और ये भी याद रखिएगा एक्सटर्नल ईयर यहां भी एब्सेंट होता है। तो टिम्पेनम जो होता है टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, कान जो उसका रिप्रेजेंट होता है टिम्पेनम से स्टार्ट होता है, तो ऐसे लिखते हैं टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है उसके कान को। तो टिम्पेनम एम्फीबे में भी था और टिम्पेनम यहां भी होता है, ईयर ड्रम यहां भी होता है, यहां भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। मोनोकोंडाइलिक स्कल, कल कहां थे? अरे कल बताया था ना कि हमारा जो स्कल होता है वो एक एक्सिस पे घूमता है, यहां पे अगर ये एटलस आपका वर्टिब्री होता है, ये हमारा स्कल है, एक होगा तो मोनोकोंडाइलिक होता है, दो होगा तो डाइकोंडाइलिक कहते हैं। हाँ एनसीईआरटी में ये दिया, सब दिया हुआ नहीं है। टिम्पेनम कल भी लिखा था आज भी लिखा हूं, टिम्पेनम बोल भी तो रहा हूं, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, तो टिम्पेनम से ही इसके कान का बिगिनिंग है। नेगेटिव्स पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन होता है। एयर को हम ब्रीथ करते हैं अपने बॉडी में अंदर की तरफ, अपने आप आता है। कल भी मैंने बताया था, काफी डिटेल से बताया था क्या होता है नेगेटिव ब्रीदिंग पॉजिटिव ब्रीदिंग क्या है। एयर को धक्का देकर लंग्स की तरफ भेज देंगे आप, वो पॉजिटिव ब्रीदिंग होता है। एयर अपने आप आता है, उसको नेगेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, नेगेटिव पल्मोनरी ब्रीदिंग कहा जाता है। बिल्कुल आपके जैसा, हमारे जैसा, यस। लिख लिया सबने इसको, अगर एक यहां पर फिर कहते हैं रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स आर डाइसेस, ये इनिशियल होते हैं, डाइसियस कहते हैं इसको। और ऐसा लिखा जाता है कि मेल्स ओजेस मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन, और इसकी वजह से यहां क्या हुआ बताओ, यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस वाले केस हैं बट मोस्टली ओविपेरस कहे जाते हैं। एंड ऑलवेज लिखा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा यहां पर नहीं होता। ठीक है, मेल्स में मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां पर होता है, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले जानवर भी, और डेवलपमेंट ऑलवेज डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट ऑलवेज डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा नहीं होता। अरे इवोल्यूशन उल्टा नहीं होता, अब तुम यूरियोटेलिक बन गए, यूरियोटेलिक कैसे बन जाओगे यार, कुछ भी पूछते हो तुम। अभी यहां पर ध्यान दे लो क्या समझाया जा रहा है, अभी मैं एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा है यहां पर।
इंसान चाहता है कि मैं और आगे इवॉल्व हो जाऊं, तुम चाहते हो कि मैं सांप बन जाऊं। इवोल्यूशन रिवर्स नहीं होता है, वो आगे की तरफ जाता है, एडेप्टेशन होते हैं धीरे धीरे। तो आपका यूरियोटेलिक ज्यादा यूरियोटेलिक कंडीशन ज्यादा एडवांस माना जाता है। चलो यार देखो, तो ये तो हो गया इसका देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं बताता हूं देखो इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन जो दिया गया रिकॉर्ड ये होता है बेस्ड ऑन टेम्पोरल ऑपनिंग, टेम्पोरल एक बोन होता है, स्कल बोन कहते हैं, टेम्पोरल एक स्कल बोन होता है, उसमें ओपनिंग होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है ना। बिल्कुल हो रहा है, ह्यूमंस भी इवॉल्व हो रहे हैं। इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट उसका पेस डिसाइडेड नहीं होता कि कब कौन क्या हो जाए, बट इवोल्यूशन हर चीज में हो रहा है। और जो इवॉल्व नहीं हुआ वो लिविंग फॉसिल बन जाता है। तो देखिए टेम्पोरल आपके साइड का ये है ना, ये पार्ट होता है टेम्पोरल कहते हैं, यहाँ पे ओपनिंग आता है, उसी ओपनिंग के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है रेप्टिलिया का। और याद रखिएगा कि इसमें एक टर्म था एनेप्सीडा, एनेप्सीडा कहते हैं, साइनेप्सीडा कहा जाता था जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया है। और एक होता है डायप्सीडा, ये सब क्लास कहते हैं, तीन सब क्लास कहे जाते हैं। रेप्टिलिया क्लास का ये तीन सब क्लास होता है, एनेप्सीडा, साइनेप्सीडा एंड डायप्सीडा। एनेप्सीडा विदाउट ओपनिंग होता है, विदाउट टेम्पोरल ओपनिंग, विदाउट टेम्पोरल ओपनिंग कहते हैं। साइनेप्सीडा एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको, एक्सटिंक्ट हो गया है, पर ऐसा माना जाता है कि यहीं से मैमल्स इवॉल्व हुए। तो मैमल्स का जो ओरिजिन है ये इसी साइनेप्सीडा से हुआ था, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका कोई लिविंग अब पार्ट नहीं बचा हुआ है, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स कहते हैं इसको, बट मैमल्स यहीं से इवॉल्व हुआ था। ठीक है, और डायप्सीडा में देखो लिखते हैं टू पेयर्स ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग, ठीक है, इसी एनेप्सीडा से बिलोंग करता है देखो टर्टल्स जो होते हैं और टॉर्टोइज़ जो होता है, चिलोन कहा जाता है इसको ना। देखो एनसीईआरटी में नाम लिखा होगा, ट्रायनिक्स कहते हैं इसको, टर्टल्स को ट्रायनिक्स। एनसीईआरटी में देखिए टेस्टुडो, किसके बारे में टेस्टुडो लिखा हुआ है, टर्टल्स के बारे, टॉर्टोइज़ के बारे में। हाँ, टर्टल एक्चुअली क्या होता है, देखो
ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को चिलोनिया, इस दोनों पे ऑर्डर को चिलोनिया कहते हैं। चिलोनिया एक तरह का ऑर्डर होता है, चिलोनिया ये बेसिकली ये एक ऑर्डर है, इसी से दोनों बिलोंग करते हैं, टर्टल्स भी और टॉर्टोइस भी। टर्टल्स को वैसे ट्रायोडिक्स कहा जाता है, ठीक है, टर्टल्स को ट्रायोडिक्स कहा जाता है, ठीक है। अरे मैंने कहा कि चिलोनिया, चिलोनिया एक ऑर्डर है। अच्छा चलो एक रुक जाओ, एनसीईआरटी में देखते हैं तो क्या लिखा है। एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है कहीं कहीं उसका इंफॉर्मेशन। चिलोन टर्टल, ओके इसने लिखा हुआ है टर्टल्स को चिलोन लिखा हुआ और टेस्टुडो को टॉर्टोइस लिखा हुआ है, ठीक है। टेस्टुडो ठीक है, एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा, इसका कुछ इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है वैसे। चलो अभी जो लिखा हुआ एनसीईआरटी में आप लिख दीजिए इसको, है ना। ट्रायोनिक्स भी होता है एक टर्म, ट्रायोनिक्स कहते हैं। अब देखिए उसको, उसमें गूगल पर सर्च कर देना इसको, ट्रायोनिक्स। ट्रायोनिक्स ट्रायो होता है, टी आर आई ओ, टी आर आई ओ होता है ट्रायोनिक्स। ये भी टर्टल्स को ही कहते हैं, ट्रायो होता है ट्रायोनिक्स, ये भी एक तरह का टर्टल ही होता है, ठीक है। और देखो इन दोनों को, टर्टल्स को टॉर्टोइस को सैंड रेप्टाइल्स कहते हैं। ये एक ऐसा रेप्टिलिया होता है जिसका बॉडी इस तरह के सेल में, जैसे मोलस्कन सेल्स होता है वैसे ये बंद होता है बॉडी से। ऊपर की तरफ देखो, इसको कहते हैं कार्पेटे, डॉर्सल साइड में होता है, डॉर्सल प्लेट को कहते हैं कार्पेटे, और वेंट्रल प्लेट को प्लास्ट्रॉन कहते हैं, प्लास्ट्रॉन, वेंट्रल प्लास्ट्रॉन होता है। मतलब ये जो होता है टर्टल टॉर्टोइस जो होता है ना, इसका बॉडी एक हार्ड प्लेट में बंद होता है, डॉर्सल साइड में कार्पेके होता है, सी ए आर पी ए सी ई, और वेंट्रल साइड में प्लास्ट्रॉन कहते हैं। डॉर्सल कार्पेके एंड वेंट्रल प्लास्ट्रॉन, ये प्लेट होता है, सेल प्लेट होता है। प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं ये, इसका बॉडी प्लेट में बंद है, अंदर ऊपर नीचे हार्ट कवर में बंद होता है। देखा होगा आपने टर्टल्स वगैरह का बॉडी, ऊपर बहुत हार्ट कवर होता है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखो यहां पर ये लिख लिया सबने, अच्छा ये मिटा दो सबूरा। अब देखो ये जो डायसेटा होता है,
इसके भी तीन ग्रुप बताए जाते हैं बस। इसमें एक ग्रुप का नाम देखो राइनोसिफेलिया, दूसरे ग्रुप को क्रोकोडिलिया और तीसरे ग्रुप को स्क्वामाटा कहते हैं। इसी डायनोसिफेलिया में एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्फेरेडॉन का, जिसका कॉमन नाम टुआटारा होता है। ये भी एक तरह का लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है, लिविंग फॉसिल मानते हैं इसको, अनचेंज्ड है और ये केवल न्यूजीलैंड में ही मिलता है। अगर आपको देखना है डायनोसिफेलिया को तो ये केवल न्यूजीलैंड में ही रेस्ट्रिक्टेड है, वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता। ये स्फेरेडॉन टुआटारा इसका कॉमन नेम है, इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ठीक है, क्रोकोडिलिया में देखो तीन तरह के जानवर आते हैं। एक तो क्रोकोडाइल होता है जो बड़ा खतरनाक होता है, दूसरा एलिगेटर होता है और तीसरा घड़ियाल ग्रेवियलिस कहते हैं, घड़ियाल भी कहा जाता है। नहीं मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी न्यूजीलैंड नहीं गया हूं कभी। क्रोकोडिलिया में देखो तीन तरह के क्रोकोडाइल्स का नाम लिखा गया है, क्रोकोडाइल्स के ग्रुप का तीन तरह के होते हैं देखो, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर और घड़ियाल। ये बड़ा खतरनाक होता है, इसका स्नाउट कैसा होता है, क्योंकि कॉनिकल शेप में स्नाउट जो होता है, आगे का हिस्सा जो होता है स्नाउट कहते हैं, थोड़ा ये कॉनिकल शेप में होता है। एलिगेटर में जो ब्लंट होता है देखो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ग्रेवियलिस में इसका आगे का पार्ट ऐसे निकला होता है, लंबा सा होता है। न्यूजीलैंड में मिलता है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो है। ये देखो क्रोकोडाइल का स्नाउट होता है, जो आगे का हिस्सा होता है वो कॉनिकल होता है, ये थोड़ा ब्लंट एंड होता है। देखो इसका स्नाउट जो होता है इसका, और ये थोड़ा लंबा सा निकला होता है जो घड़ियाल वगैरह होते हैं। और ये सब स्टैटिक वाटर में मिलते हैं, बहुत जहां पानी का बहुत तेज फ्लो होगा वहां नहीं मिलता है, सब फ्रेश वाटर में ही अवेलेबल है, समंदर में आपको नहीं मिलेगा ये सब, तालाब में। यस, स्टैटिक वाटर जहां होता है ना, पुराने जो स्टैटिक वाटर होते हैं उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक होता है, क्योंकि ये बड़ा क्लेवर एक चालाक होता है ये, और ये इसका जो बहुत शांति से ये अपने शिकार का इंतजार करता रहता है, नहीं होते सॉल्ट वाटर समंदर में नहीं मिलता क्रोकोडाइल। हरियाणा में ना ये जो एक लेक है दमदमा लेक है, उसमें है, वहां लिखा हुआ है इस लेक के पास इसमें घड़ियाल है। हरियाणा में हाँ नहीं पहवा के पास भी है और एक दमदमा लेक है गुड़गांव के पास, गुड़गांव के पास एक दमदमा लेक है, उस लेक में भी ये सब मिलते हैं क्रोकोडाइल वगैरह। ये वहां पे अगर कभी घूमने जाएंगे ना तो वहां लिखा मिलेगा आपको कि यहाँ क्रोकोडाइल रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हाँ ये हर जगह
देखो क्रोकोडाइल जू में अक्सर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे क्रोकोडाइल टेरेस्ट्रियल ही होता है, पानी में रहता है बॉडी को ठंडा रखने के लिए, खाना खाने के लिए, सेफ रखने के लिए। क्रोकोडाइल ऐसा नहीं है कि वो पानी के अंदर इसलिए रहता है कि उसकी बॉडी को कूल रखना होता है, प्रोटेक्शन मिलता है उसको, शिकार मिल जाता है उसको। क्रोकोडाइल काटता नहीं है बेटा, क्रोकोडाइल खा जाता है। ये मच्छर नहीं है, क्रोकोडाइल काटता नहीं है, कुत्ता भी नहीं है ये, आपको ही पूरा खा जाएगा। ये बाहर भी आते हैं लेकिन ये बाहर बहुत कम समय के लिए आते हैं, ठीक है। और रेनी सीजन में ये बाहर आते हैं, याद रखना क्रोकोडाइल वगैरह रेनी सीजन में, ये ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, तो पानी के बाहर भी आते हैं ये। तो रेनी सीजन में किसी भी तालाब के पास जहां क्रोकोडाइल के रहने के चांसेस हैं वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता, खासकर बरसात के समय में, क्योंकि क्रोकोडाइल को ऐसा लगता है अगर उसने अंडा जमीन पर रखा हुआ है कहीं पर और कोई आ रहा है वहां पर, तो अंडे के आसपास ही रहना चाहता है। तो रेनी सीजन में तालाब के अंदर जाना और खतरे से खाली नहीं होता खासकर। और कई ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे कि एक लड़की सेल्फी ले रही है तालाब के किनारे, और सेल्फी नहीं, उसका फोटोग्राफ लिया जा रहा है, एक दूसरी दोस्त उसकी फोटो, उसका फोटो ले रही है, और पीछे से आता है क्रोकोडाइल पूरा का पूरा उसको निगल लेता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत फास्ट स्पीड है क्रोकोडाइल। कहा जाता है ना कि इतना शातिर होता है ना ये, कि ये बिल्कुल शांत होके आपका वेट करता है, पानी के नजदीक रहता है, अपना नॉस्ट्रिल ऊपर रखता है और आंख ऊपर रखता है, और पूरा बॉडी पानी के अंदर, कोई हरकत नहीं होगा। और जैसे कोई एनिमल पानी पीने के लिए सर अंदर किया, उसने नीचे झुकाया कि वो उसको कैच कर लेता है। चलिए, तो क्रोकोडाइल इज वेरी मच एग्रेसिव। पानी में आप जाएंगे, क्रोकोडाइल आपके पास आएगा, आपके जाने का वहां जाएंगे इंतजार नहीं करता, वो आपके पास आ जाएगा। एलिगेटर थोड़ा स्लो होता है, ये बहुत फास्ट शिकार नहीं करता है। और ग्रेवियलिस आपको कुछ नहीं कर सकता, तो सबसे इसमें लिस्ट डेंजरस ही होता है, सबसे कम खतरे वाला ग्रेवियलिस ही होता है। घड़ियाल, यस शरीफ है, हाँ मछली उछली खा के कान चला लेता है, क्योंकि इसका ये जो माउथ है ना ये खुलता नहीं है, इसका तो माउथ पूरा ऐसे खुलता है, यूं ऐसे 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 खुल जाता है और ऐसे दबा देता है। हाँ ये मछलियां खाती है, ये मछली खाने के लिए है, ये किसी को खा सकता है। पानी का बादशाह यही है, पानी का बादशाह ये क्रोकोडाइल ही है, स्टैटिक वाटर का बादशाह क्रोकोडाइल ही होता है। अगर टाइगर भी आ गया ना पानी पीने के लिए, तो टाइगर के ऊपर भी अटैक करता है, पानी के अंदर का बादशाह यही है क्रोकोडाइल, जो फ्रेश वाटर होता है। चलो ठीक है, यहां देखो, और इसको माटा देखो, इसमें दो ग्रुप आता है, देखो एक ग्रुप का नाम है लेसर टीलिया और एक में तो ऑफिडिया, ऑफिडिया लेसर टीलिया में ही लिजर्ड आता है और ऑफिडिया में स्नेक आता है। समझ आ गया? हाँ जी, ये सब लिजर्ड में आते हैं। तो इसको माटा के दो ग्रुप है, देखो लेसर टीलिया और एक है ओफिडिया, स्नेक एंड लिजर्ड, ठीक है। और आपको पता है कि लिजर्ड में लिम्स मिलते हैं, स्नेक में लिम्स नहीं होते हैं। ठीक है, लिजर्ड में टिम्पेनम
मिलता है, यहां टिम्पेनम भी एब्सेंट होता है, और इसीलिए कहते हैं सांप जितने भी होते हैं सभी स्नेक बहरे होते हैं, डेफ होते हैं, वो किसी भी तरह के ऑडिबल साउंड को नहीं सुन सकते। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखिएगा। सांप जो होते हैं ना, नहीं ब्लाइंड नहीं होते, कुछ सांप ब्लाइंड होते हैं, सभी सांप ब्लाइंड नहीं होते। कभी कोबरा के सामने जाकर ना उसको उसके सामने ऐसे से करना है, बोले कि तो अंधा है, फिर पता चलेगा कि स्नेक अंधा होता है कि नहीं होता है। हितांशु सैनी समझ में आ गया ना क्या करना है आपको? कोबरा के सामने जाइए और उसको ऐसे करो बाय बाय नजदीक जाकर, फिर देखना कोबरा क्या कोबरा क्या करता है। हाँ जी, अब देखो अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्नेक का जो है ना, स्नेक में टिम्पेनम नहीं होता, तो जो ये आप वो जो चापड़ वगैरह जो बजाता है, बीम बजाता है ना, कोई नागिन डांस नहीं होता। डांस तो नाग भी कर सकता है, अगर नागिन डांस होता तो नाग डांस भी होता है ना, नाग डांस करता है ना नागिन डांस करती है। डांस करने का मतलब क्या होता है कि जब वो अपने बीम को ऐसे मूव कर रहा है तो लगता है कि वो उसके हेड पे आ रहा है, देख तो रहा है ना वो, तो उस बीम के मूवमेंट से अपने हेड को बचाता है वो, और हमें ऐसा लगता है कि नागिन इज डांसिंग। समझ में आ गया? तो इतना सारा कुछ मिथ है, देखो एक्चुअली ये मिथ कहते हैं, ये सब गलत बातें हैं कि आप उसको गाना सुनाइएगा तो नागिन डांस करेगी, उसे दूध पी जाती है वो, ये सब बेकार की बातें हैं। ना दूध पीती है ना वो डांस करती है, साउंड को सुन ही नहीं सकती वो। हाँ, दे हैव इंटरनल ईयर टू रिसीव अर्थ वाइब्रेशंस। अगर आप पैर पटक देंगे ना या लाठी पटक देंगे आप, तो सांप भाग जाएगा वहां से, बट आप सोचेंगे कि आप बोल के भगा देंगे तो नहीं भागेगा। तो दे कैन रिसीव अर्थ वाइब्रेशन बट कैनॉट हियर एनी काइंड ऑफ ऑडिबल साउंड। अभी बताता हूं जाओ, अभी वो सब आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल आता ना सारा। समझ में आ गया? तो याद रखना, स्नेक में लिम्स नहीं होते, स्नेक में टिम्पेनम नहीं होते, स्नेक लिम्बलेस होता है, स्नेक में टिम्पेनम भी नहीं होता है। लिजार्ड में लिम्स होता है, लिजार्ड में टिम्पेनम भी होता है। छिपकली जो आपके घर में है उसके सामने बोलेंगे आप या ऐसे कुछ आवाज करेंगे तो वो साउंड चला जाएगा उसको, वहां टिम्पेनम होता है। ठीक है, फिर देखो यहां लिखते हैं मूवेबल आईलिड होता है, मूवेबल आईलिड कहते हैं, और यहां पे फिक्स्ड आईलिड होता है। आईलिड का मूवमेंट नहीं होता सांप में, ऑफिडिया में, पहले जो समझा रहा हूं पहले सुनो, आगे आगे मत चलो। मैंने क्या कहा कि सांप में फिक्स्ड आईलिड होता है और लिजार्ड में मूवेबल आईलिड होता है। तो कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि सांप को आपने नागिन को मार दिया अगर, या नाग को मार दिया आपने, तो नागिन फोटो खींच लेती है आपका अपने कैमरे से, अपने आईलिड से, और वो बदला लेती है फिर। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट, ये देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए आप कि कभी भी, अभी कभी आपने ऐसा सुना है कि नागिन को मार दिया हो और नाग ने बदला लिया हो मूवी में? ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा बदला नागिन ही लेती है अगर नाग को मार दिया आपने तो। नाग जो होता है वो कूल टाइप का होता है, कहते चलो ठीक है नागिन चली गई कोई बात नहीं, लेट्स सर्च अनदर नागिन, कोई बात नहीं। बट नागिन बहुत ज्यादा डिवोटेड होती है, वो बदला लेती है। चलो यहां देखो, तो ये जो कहानी है ये सब बेकार की बातें हैं।
एक्चुअली क्या होता है ना कि सांप के मरने के बाद भी उसका आईलिड खुला रहता है, कभी बंद ही नहीं होता वो, कि लोगों को लगता है कि वो फोटो खींच रही है आपका। ये सब मिथ है, इट्स ऑल अबाउट मिथ, कोई इसमें रियलिटी नहीं है, ठीक है। और देखो इसके बाद देखिए लेसेटिया में लिखते हैं फिक्स्ड स्कल बोन होता है, इसकी वजह से नो बाइटिंग मैकेनिज्म, नो बाइटिंग मैकेनिज्म, डसने का काम सांप का होता है। स्कल बोन ना फिक्स्ड होते हैं आपकी तरह, बट इसमें मूवेबल स्कल बोन होता है। क्या रखा सांप ने, क्या रखा मूवेबल स्कल बोन होता है, और इसके कारण दे डेवलप बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म लिजर्ड में नहीं होता, बाइटिंग मैकेनिज्म सांप में होता है। स्कल बोन उसके मूव कर जाते हैं, स्कल का जो बोन होता है ना वो मूव करता है, और मूवमेंट की वजह से ही वो डसने की टेंडेंसी होती है उसकी, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको। और एक डिफरेंस जानते हैं आप, लिजर्ड्स आर नॉन पॉइजनस। एक ही लिजर्ड पॉइजनस है जिसको हेलोड्रोमा कहते हैं, ओनली पॉइजनस लिजर्ड इसको हेलोड्रोमा, इसके अलावा सभी लिजर्ड नॉन पॉइजनस होते हैं। एक ही लिजर्ड पॉइजनस होता है जिसका नाम हेलोड्रोमा है, ओनली पॉइजनस लिजर्ड इज हेलोड्रोमा, ऑल अदर लिजर्ड आर नॉन पॉइजनस। सभी, मैं क्या बोल रहा हूं, हेलोड्रोमा नाम है जो पॉइजनस होता है, बाकी सभी लिजर्ड नॉन पॉइजनस होते हैं। अरे बच्चे गौरंगी, लोग तो कॉकरोच से डरते हैं, आप लिजर्ड की बात छोड़ दीजिए, कॉकरोच भी अगर देख लेना तो लोग अपने बेड पे चारों नीचे ऊपर से उछलने लगते हैं कि कॉकरोच 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 कॉकरोच। बेटा ये चमरचिट क्या, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मैंने क्या कहा, एक ही नाम है हेलोड्रोमा, इसके अलावा जितने भी आप नाम ले रहे हैं सब के सब नॉन पॉइजनस होते हैं। लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनके घर में जो वो छिपकली है, उनके घर में जो छिपकली है वो भी पॉइजनस है, अगर वो दूध में गिर जाए और दूध पी लेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा सुना है ना। कुछ नहीं होता, दूध में गिर जाएगा तो छिपकली को निकालिए दूध से, छिपकली को फेंक दीजिए, दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करो थोड़ी देर तक के लिए, ताकि उसकी बॉडी का जो गंदगी वंदगी है सब साफ हो जाए, जो भी गलती चला गया होगा उसमें, और दूध पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बातें होती हैं। आपके घर में जो हाउस लिजर्ड है वो पूरी तरह से नॉन पॉइजनस है, खाइए उसका, लोग चाइना में खाते हैं उसको, कोरियन लोग खा जाते हैं उसका भुजिया बना के खा जाते हैं। अरे चाइना में, कोरिया में तो लोग छिपकली का भुजिया बना लेते हैं, छिपकली फ्राई रोटी के साथ खा जाते हैं, ब्रेड के साथ। तो छिपकली खाने में कहीं कोई टेंशन नहीं है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बारे में आप बताऊंगा अगली क्लास में, थोड़ा कुछ और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है मैं बताऊंगा अगली क्लास में।
लिजार्ड से क्यों डरना, अरे लिजार्ड में कौन सा पॉइजनस प्लांट होता है, ना ये काटता है ना ये इसमें पॉइजन होता है, तो डरने की बात क्यों है। मैं लिजार्ड मैं क्यों खाऊंगा, मैं चाइनीज थोड़ी हूं। अच्छा अगली होती है, अगली अगली का मतलब क्या होता है, वो भी अपने लिए अच्छा होता होगा, ये तो हमारा परसेप्शन है ना। चलिए ठीक है, सी यू टुमारो और द नेक्स्ट वीक, अब तो हो सकता है आपसे मुलाकात ही हो जाए अगले वीक में। चलिए ठीक है, सी यू।